हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटेटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। ये जो टॉपिक है बहुत से एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, हमारे डी फार्मेसी के एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन इसका आता है, 101% क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिसीज़ के और ड्रग ऑफ चॉइस मैंने दिए है, डिसीज एंड ड्रग ऑफ चॉइस दिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी डिग्री एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, RRB हो, ESIC, CGHS, ZP की एग्ज़ाम हो, DSSSB की एग्ज़ाम हो, एम्स की एग्ज़ाम हो, हर एक फार्मेसी के एग्ज़ाम में एंड दी GPAT आल्सो एंड सभी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और एज ए फार्मासिस्ट हमें भी ये मालूम होना चाहिए, वी आर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सो हमें भी ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चालू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अच्छे और अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आपको एक काम करना पड़ेगा, साइड में एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, जैसे ही एक एक ड्रग होता है वहाँ से आप लिख लो। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग एंड प्रैक्टिस दैट लीड्स टू द बिल्डअप ऑफ द नॉलेज। आपका नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा, नहीं तो खाली सुनते हो, एक मिनट सुनते हो, दो मिनट सुनते हो, छोड़ देते हो, ये मतलब नहीं है। लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दो मिनट देखा, एक मिनट देखा, कोई फायदा नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिसीज दैट इज द एंजाइटी एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी एंजाइटी, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, मेप्रोबामेट। ओके, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम एंड मेप्रोबामेट। एंजाइटी में क्या होता है, द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। बॉडी क्या करती है, नेचुरल रिस्पॉन्स करती है टू द स्ट्रेस। ओके, कभी कभी हमें पता है कि एंजाइटी में क्या होता है, फील ऑफ फियर, घबराहट सी होने लगती है। ओके, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, आपको मालूम है कैसी घबराहट होती है, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। ओके, जॉब इंटरव्यू एट दैट टाइम कैसी फीलिंग होती है, दैट इज एंजाइटी। स्पीच देते हैं आप कभी फर्स्ट टाइम, ओके, जो सिचुएशन वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द एंजाइटी। ओके, देन नेक्स्ट गाउट। ओके, दूसरा क्या है, गाउट। ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या है गाउट में, देखिए फ्रेंड्स, देखिए ड्रग ऑफ चॉइस यानी खाली एक ड्रग नहीं है। ओके, ये जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो मॉडल सेंसस है वहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया है, ऑथेंटिकेट डाटा है। तो एक ड्रग नहीं होता है, उसके ज़्यादा भी ड्रग हो सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके, गाउट दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस, डाइक्लोफिनैक, प्रोबेनासिड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रोजिकैम, कोल्चिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाउट में, एलोप्यूरिनॉल और एनी अदर NSAID भी यूज करते हैं, कोई भी NSAID हो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो। ओके, तो गाउट में क्या होता है, पेन प्रोड्यूस होता है। व्हाई दिस पेन प्रोड्यूस, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट। ओके, जॉइंट में क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट रेनॉल्ड डिसीजेस। ओके, रेनॉल्ड डिसीज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, निफिडिपिन, देन नेक्स्ट फिनॉक्सी बेंजिकेम एंड नेक्स्ट अदर वैसोडायलेटर। ओके, वैसोडायलेटर यहाँ पे यूज होता है, मींस कहीं तो भी क्या हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। ओके, रेनॉल्ड डिसीज में क्या होता है मैं बताता हूँ, सम एरिया ऑफ योर बॉडी फील्स नम, बॉडी का कुछ एरिया क्या फील होता है, नम एंड कूल फील होता है। सो क्या होता है वहाँ पे जो बॉडी को उस एरिया जहाँ पे नम एंड कूल फील होता है, वहाँ जो ब्लड वेसल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसका क्या होता है वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्स्ट्रैक्शन होता है। सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ब्लड इज देयर। ओके, ब्लड का लिमिटेड सप्लाई वहाँ पे होता है, दैट इज द रेनॉल्ड। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तो आपको पता है, फेमस है, जॉइंट पेन होता है इसमें। ओके, NSAIDs, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, सल्फासैलाजाइन, मिथोट्रिक्सेट, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइसेस। देन कैंडिडियासिस। ओके, इसमें क्या होता है देखते हैं, कैंडिडियासिस यानी क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय द कैंडिडा, कॉज्ड बाय द कैंडिडिया
नाम की ईस्ट है ये, ओके, ईस्ट की वजह से ये फंगस होता है। पैचेस प्रोड्यूस ऑन दी टंग एंड दी अदर पार्ट्स, स्किन पे टंग पे क्या होते हैं वो पैचेस प्रोड्यूस होते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्वाट्रमैक्सोल, नेस्टेसिन, फ्लूकोनेजोल, ओके, एम्पोटेरिसिन भी, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइस। देन एथेरोक्लोरोसिस, ओके, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है देख लीजिए, एथेरोक्लोरोसिस, इसमें क्या है, एट्रियोस्टैटिन, लियोस्टैटिन, स्टैटिन जो है वो यूज होते हैं, जे गेम्फीब्रोजिल, ओके, फिनोफाइब्रेट, निकोटिनिक एसिड, ओके, इजिटिमीब, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइसेस। एथेरोक्लेरोसिस में क्या होता है, क्लोरोस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ये डिफिनेशन आपको एनाटॉमी में भी बहुत यूजफुल रह सकती है। कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, डिपोजिशन होता है इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज के वॉल में ये डिपोजिशन होता है। प्रॉब्लम इन द ब्लड फ्लो, और डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो का क्या होता है, वहाँ से प्रॉब्लम होता है, इट लीड्स टू ए हार्ट अटैक भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, स्केलेटल मसल स्पाजम, ओके, स्केलेटल मसल स्पाजम, स्पाजम यानी क्या फ्रेंड्स, सडनली इनवॉलंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सडनली इनवॉलंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पता भी नहीं चलता वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता। ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या है देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट है क्लोरजोजैजोन, ओके, क्लोरजोजैजोन, देन एनसीआईडीज यूज करते हैं, देन मिथोकार्बामॉल, ये भी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे यूज करते हैं, देन लेप्रेसी, ओके, लेप्रेसी में क्या होता है, देन लेप्रेसी इट इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस होता है, इसे हैंसन डिसीज भी कहते हैं, कौन सा डिसीज, हैंसन्स डिसीज भी कहते हैं, अफेक्ट द स्किन एंड पेरिफेरल नर्व एंड म्यूकोजल सर्फस और सर्फेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन भी अफेक्ट होती है, पेरिफेरल नर्व और म्यूकोस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है इसमें अफेक्ट होता है। ड्रग ऑफ चॉइसेस देख लीजिए, डायप्सोन इज द फेमस ड्रग ऑफ चॉइस, देन रिफामपिसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द लेप्रेसी, देन क्लोफेजीमाइन, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइसेस। देन डिप्रेशन, ओके, डिप्रेशन का ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या है, एमिट्रिप्टेलिन, इमिप्रामाइन, फेनिलेजाइन, फ्लूकोजेंटिन, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन द डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, मूड डिप्रेशन और द लॉस ऑफ द इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में क्या रहता है, उस आदमी का इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं रहता है। अभी अगर कोई स्टडी नहीं कर रहा है तो उसे भी हम कहेंगे लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ऐसा नहीं है, आप अच्छे लोग हैं, सब स्टडी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, ओके, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, क्लोराम्ब्यूसिल, ब्यूसल्फैन, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइसेस इन दी ल्यूकेमिया, ओके। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिफेलिस, सिफेलिस में इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसमें, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, दीज आर ऑल्सो दी ड्रग ऑफ चॉइसेस इन दैट। देन ग्लोकोमा, ग्लोकोमा में क्या है, पिलोकार्पिन, टिमोलॉल, फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाजोलामाइड, मैनिटॉल, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइसेस इन दी ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, हमारे जो आई की है ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है आई की, और वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, ड्यू टू दैट ग्लोकोमा प्रोड्यूस, ओपन ग्लोकोमा इज अ मोर कॉमन इन द पेशेंट। गाउट हमने देखा है, कोल्चिसिन, एलोपिरोनोल, एनएसआईडीज, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स वगैरह, डाइक्लोफिनेक, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइसेस। देन गनोरिया, इट इज ऑल्सो द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, गनोरिया, ओके, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ड्रग ऑफ चॉइसेस में यहाँ पे सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्ट्रैक्सोन, पेनिसिलिन जी एंड सल्फा ड्रग, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइसेस इन दी गनोरिया, ओके। ग्लाउकोमा हमने देखा है पिलोकार्पिन, टिमोलॉल, ब्यूटॉक्सोलॉल, फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाजोलामाइड, ग्लिसरीन, मैनिटॉल, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइसेस इन दी ग्लाउकोमा। परनिशियस एनीमिया, ओके, यहाँ पे क्या होता है, विटामिन B12 की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, परनिशियस एनीमिया होता है इस डिफिशियंसी से, ओके। यहाँ पे देखिए विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये क्या है ड्रग ऑफ, और
न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट बोल सकते हैं इसको, ये है। देन रेनॉल्ड डिसीजेस हमने देखा है, निफिडिपिन एंड अदर वैसोडायलेटर। रेजिस्टेंस स्किजोफ्रेनिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्किजोफ्रेनिया में ड्रग ऑफ चॉइसिस क्या है, क्लोजैपाइन, देन ओलिनाज़ेपाइन, रेस्पिरोडोन, दीज आर दी यूजेस इन दी स्किजोफ्रेनिया। ओके, इंसोमनिया, देखिए इंसोमनिया यानी लॉस ऑफ स्लीप, स्लीप क्या होती है, यहाँ पे लॉस होती है। एग्जाम्पल डायजोप्राम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपैन, बारबिचुरेट, दीज आर द ड्रग यूज इन दी इंसोमनिया। देन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मीन्स रेट एंड रिदम, रेट और दी रिदम ऑफ योर हार्ट बीट रिड्यूसेस, सॉरी इंक्रीजेस, रेट एंड रिदम क्या होता है, इरिलेवेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, कम जाता है, बढ़ होता है, इरिलेवेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यूनिडीन, लिग्नोकाइन, प्रोपेनोलॉल, प्रोटोक्लॉल, प्रोटोक्लॉल, ओके, प्रोटोक्लॉल बोल सकते हैं आप उसको, प्रोकैनामाइड, दीज आर द ड्रग, ओके, कार्डियक एरिथमिया में हम यूज करते हैं। देन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस यानी जब आप कोई ट्रैवल करते हो, बोट से करते हो, एरोप्लेन से करते हो, तो एट दैट टाइम वहाँ पे ये इश्यू हो जाता है, पेन होता है आपको उसकी वजह से। हायोसाइन, ओके, वोमिटिंग भी हो जाती है कभी कभी, बहुत बार। प्रोमिथाजाइन, मैक्लाजाइन, साइक्लाजाइन, दीज आर दी मोशन सिकनेस ड्रग ऑफ चॉइस इन द मोशन सिकनेस। ग्रैंड मैन एपिलेप्सी, फिनोनटाइम, ओके, देन फॉस्फिनोनटाइन, वॉल्परिक एसिड, फिनोबार्बिटोन, कार्बामेजिपिन, मिथोइन, दीज आर ड्रग ऑफ चॉइसेस इन ग्रैंड मैन एपिलेप्सी। देन पार्किंसन डिसीजेस में हमें पता है क्या होता है, वॉकिंग, बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, शेकिंग, स्टिफिनेस, दे आर लॉस, ये सब चीज़ें हो जाती है, बैलेंसिंग पूरा लॉस हो जाता है, कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है वहाँ पे। आप ड्रग ऑफ चॉइस देख लो, लिवोडोपा, एमेंटिडीन, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टीन, बेंजट्रोपिन, ओके, एंजाइटी में हमने देखा है डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, मेप्रोबामेट, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइसेस। ओके, सो वीडियो के नोट्स निकाल लो, अच्छी तरह से पढ़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।